अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस, चाइनीज़ राइस, चिकन एंड वेजिटेबल राइस। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं हमने, वो हमने वेजिटेबल्स में सबसे पहले क्या लिया है, एक गाजर ली है जो हमने चॉप कर ली है, एक शिमला मिर्च ली है वो भी चॉप कर ली है, जिंजर गार्लिक को हमने चॉप कर लिया है, एक इंच का जिंजर का टुकड़ा लिया है और दो तीन गार्लिक के स्लाइस लिए हैं और इनको चॉप कर लिया है। गोभी ली है हमने आधी छोटी, इनके एक कप ले लें, वो हमने चॉप कर ली है। फिर चिकन हमने ली है एक कप, डेढ़ कप चिकन ली है। अंडे हमने दो, उसको फेटा, उसमें थोड़ा सा रेड कलर डाला और नमक डाला और उसको अच्छी तरह से फेट के हमने फ्राई कर लिया है, ऑमलेट सा बना लिया है और उसको हमने नाइफ की हेल्प से काट लिया है। दो अंडे लिए हैं। बाकी हमने ये एक ग्रीन चिलीज़ भी ली हैं, दो हमने ग्रीन चिलीज़ ली हैं उनको भी चॉप कर लिया है। सॉसेस में हमने क्या लिया है, हमने तिल का तेल लिया है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून विनेगर लिया है, ये हमारे पास चाइनीज़ सॉल्ट है और सादा नमक है वो हमने, चाइनीज़ सॉल्ट हमने 1 टेबल स्पून लिया है और सादा नमक 1 टीस्पून लिया है। बाकी हमने सोया सॉस लिया है 1 टेबल स्पून, वॉस्टरशायर सॉस लिया है 1 टेबल स्पून, हॉट सॉस है, हमने हॉट सॉस लिया है 1 टेबल स्पून और काली मिर्च ली है 1 टीस्पून। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम आज की रेसिपी में यूज़ करेंगे। चावल हमारे पास 2 गिलास है, 2 गिलास के हिसाब से हमने चावल को क्या किया था, सबसे पहले नमक डाल के बॉयल कर लिया था चावल को और 1 टीस्पून विनेगर डाल के, नमक डाल के हमने बॉयल कर लिया था चावल को और साइड पे रख दिया। ये हमारे पास चावल हो गए 2 गिलास और उसके हिसाब से हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। बाकी हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, कुकिंग स्टार्ट करते हैं। हमने एक देश का लिया है, 1/2 कप ऐड करना है, 1/2 कप ऑयल ऐड किया, फिर हम ये जिंजर गार्लिक जो हमने चॉप करके रखी हुई थी ये डालेंगे, इनको हल्का हल्का फ्राई करेंगे। हम चिकन ऐड कर देंगे जो हमने बेल रखी हुई थी, तो हमने चिकन बेल लिया था, क्यूब की फॉर्म में हमने काट लिया था चिकन को, वो ऐड कर दिया। साथ ही हमने सादा नमक और चाइनीज सॉल्ट लिया था वो ऐड कर देंगे, काली मिर्च ली थी वो ऐड कर देंगे, फ्राई करेंगे हल्का सा चिकन को। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, हमने गाजर ली थी एक चॉप की थी, एक शिमला मिर्च ली थी चॉप की थी और ये ग्रीन चिली दो ले ली थी चॉप की, सारी चीज ऐड कर देंगे और साथ ही हमने ये गोभी ली थी 1 कप, वो भी ऐड कर देंगे। बहुत ईजी और झटपट रेसिपी है, तो लग रहा है कि काली मिर्च कम है तो आप और ऐड कर लीजिए, किसी भी काली मिर्च यूज़ कर सकते हैं।
राइस चाहिए तो आप कुटी हुई लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। साथ में आप ये विनेगर ऐड कर दीजिए, 1 टीस्पून लिया था विनेगर। अब इन वेजिटेबल्स को जब तक फ्राई करना है जब तक हमारा सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता और चिकन हमारी गल नहीं जाती और वेजिटेबल्स हल्के से सॉफ्ट हो जाए, तब हम चूल्हा तब हम इसमें राइस ऐड करेंगे जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे। साथ ही हम इसमें वॉटर फ्राई सॉस डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, हॉट सॉस ऐड करेंगे, तिल का तेल डालेंगे, अंडे जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो ऐड करेंगे। ज़बरदस्त थे यम्मी से फ्राइड राइस रेडी हो गए हैं। ये देखिए ज़बरदस्त से यम्मी से फ्राइड राइस रेडी हो गए हैं। हमने फ्लेम ऑफ किया और अब हम मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये निकाल दिए हैं, टेस्ट भी कर लेते हैं कैसे बने हैं। जी बहुत टेस्टी हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा टेस्ट है। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें फीडबैक भी दीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा ज़रूर ये राइस ट्राई करके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।